तो दोस्तों आप सबको एक बात आज जरूर बताना चाहता हूँ, देखेगा जो राजा ग्राफी का चैनल था वो फिर से अपडेट होने वाला है, मतलब उससे वीडियो आने वाले हैं, क्योंकि ये उसी के हवाले से निकला है। क्योंकि आपको बताता हूँ, आज जो राजा ग्राफी का जो मतलब जो वीडियो अपलोड नहीं करते थे उस चैनल पे आज एक कम्युनिटी पोस्ट आया और इसमें लिखा था भाई मैं जल्द ही लौट जाऊंगा। तो राज क्या था और वो क्यों वीडियो अपना अपलोड नहीं कर रहे थे यूट्यूब पर, आज इसके बारे में ऑल टू ऑल मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप लोग शुरू से एंड तक आते हैं तब। लेकिन आप लोग मैं आपको बताता हूँ, देखेगा यूट्यूब पर इतना फेक न्यूज आ रहा है कि राजा ग्राफी का मौत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि उसी तरह लग रहा था और वो लोग फेक न्यूज मतलब फैलाते जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और कुछ नहीं हुआ उनको, और मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ मतलब क्यों वो अपना वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे, क्या हुआ था उनको। तो देखिएगा, कुछ नहीं हुआ था उनको, सिर्फ तबीयत खराब था और एक चैनल है जिसको वो प्रमोट करते थे हमेशा, वो क्योंकि वो भी उसी के रिलेटेड वीडियो बनाते थे। जी हाँ दोस्तों, और वो अपने चैनल पे मतलब बताए अपडेट दिए कि राजा ग्राफी का जो है तबीयत ज्यादा खराब हो गया था, उसके कारण वो अपना वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम लोगों को लगा था कि कई लोगों ने अपडेट दिए थे कि ये हो गया, वो हो गया, तो इसीलिए मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर वीडियो बना रहे हैं। और आप लोगों को मैं उनका एक कम्युनिटी पोस्ट भी दिखाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, उनको कुछ नहीं हुआ, वो बोल रहे अपने वीडियो में मतलब कम्युनिटी पोस्ट में कि मैं कुछ ही देर मतलब लगेगा और कुछ ही टाइम लगेंगे मैं वापस आ जाऊंगा यूट्यूब पर, और मेरा डेथ नहीं हुआ है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे पुलिस भी गिरफ्तार नहीं की है। और वहां पे हाथ जोड़कर वो विनती कर रहे हैं कि आप लोग मतलब फेक न्यूज ना फैलाएं। जी हाँ दोस्तों, और आप लोग ज्यादा इंतजार ना करें क्योंकि वो जल्द से जल्द आ जाएंगे। तो आई होप दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और फेक न्यूज ज्यादा से ज्यादा ना फैलाएं और फेक न्यूज ना देखें। तो ठीक है, उनका मतलब तबीयत ही खराब था। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा।